हेलो एंड वेलकम टू द एसपी चैनल। माय नेम इज़ मुकेश यादव। आप लोगों का फिर से एसपी चैनल पे स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में हमने सेवन चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हिस्ट्री वगैरह हो गई, या ये कह सकते हैं पार्ट ऑफ इंजन, टाइप ऑफ इंजन, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रोक एंड ऑन द बेसिस ऑफ पेट्रोल और फ्यूल बेसिस पे कह सकते हैं, तो पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कल हमने डिस्कस किया था टीलेज का पार्ट, उसका फर्स्ट पार्ट था टीलेज का, और प्राइमरी टीलेज डिस्कस कर लिया है। प्राइमरी टीलेज में जो जो इम्प्लीमेंट्स यूज होते हैं, कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स यूज होते हैं, उनके बारे में भी हमने डीपली डिस्कस कर लिया है। विष्णु आ गए, विष्णु आ गए। तो हमने प्राइमरी टीलेज में प्लाउइंग को डिस्कस किया था, क्योंकि फर्स्ट अगर हम बात करें जितने भी टाइप्स के प्लाउज यूज़ किए जाते हैं और जो प्लाउइंग एक्टिविटीज़ की जाती है सॉइल को, हार्डपन को तोड़ने के लिए, या उसमें सब सॉइल जो होता है उस वाले पार्ट्स को तोड़ने के लिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो अब हम डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड जो टर्म यूज़ किए जाते हैं या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में आए हुए हैं या पूछे जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आप लोग, तो कल ये वाला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। डिस्क एंगल और टिल्ट एंगल। टिल्ट एंगल की हम बात करें, डब्ल्यू एग्ज़ाम जो इसी अभी दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था 6-7 महीने पहले, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है टिल्ट एंगल का यूनिट क्या है, या कितने डिग्री टिल्ट एंगल जो यूनिट है कितनी डिग्री रखा जाता है, ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है एओ एग्ज़ाम में। हम बात कर लेते हैं दोनों की, ये टिल्ट एंगल क्या है और क्यों डिस्कस किया जाता है, इससे रिलेटेड या इसको क्यों मेंटेन करना चाहिए, इसके पीछे क्या रीज़न है, तो चलिए उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सर कुछ एरर डिस्कस कर रहा है, प्लीज़ यूट में क्लिक। नो प्रॉब्लम। तो हम बात करें फर्स्ट वाला डिस्क। देखिए यहाँ पे टर्म यूज़ किया है हमने डिस्क एंगल, एंगल पूछा जाएगा, उससे पहले टिल्ट एंगल और डिस्क एंगल यहाँ पे दिया हुआ है डिस्क एंगल। आप लोगों को ये कन्फ्यूजन, सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन होता है वो कहाँ पे होता है, दोनों नंबरिंग याद रहता है, नंबर सभी को याद रहता है यहाँ पे। अगर डिग्री की हम बात करते हैं, डिग्री की हम बात करें तो सभी को याद रहता है, लेकिन कन्फ्यूज होता है कौन से वाले का डिस्क एंगल 15-25 है या फिर डिस्क एंगल 42-45 है। तो उसके पीछे आप लोगों का भी कन्फ्यूजन ना हो, सर आपके कॉन्टैक्ट नंबर दें, सर के कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे बेटा, मिल जाएंगे, कोई बात नहीं। योगेश हम बात करें यहाँ पे डिस्क एंगल की। देखिए सबसे पहले तो इसको डिस्क किसको कहा जाता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमने कल भी डिस्कस किया था डिस्क के बारे में, तो वर्बली हमें इजी समझ में आएगा कि डिस्क एंगल होता क्या है। यहाँ हमने डिस्क वो डिस्कस किया था, ये वाला जो पार्ट होता है किसका पार्ट, हैरो का जो पार्ट होता है, जिसमें डिस्क किसको तवा जो तवे बोला जाता है, उस पार्ट को क्या कहा जाता है, डिस्क कहा जाता है। इस पार्ट को क्या कहा जाता है, डिस्क कहा जाता है। तो डिस्क क्या होगा, सबसे बड़ा है अपने आप में, इसको क्या क्या रखते हैं, सबसे बड़ा है मेन पार्ट जो सॉइल को काटता है या सॉइल को पलटता है, वो वाला कौन सा पार्ट है, डिस्क वाला पार्ट है। अब डिस्क वाले पार्ट में एंगल का क्या रोल होता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर हम ये डिस्क है, इससे क्या किया जाता है, सॉइल को काटा जाता है, वर्बली सॉइल को काटा जाता है। सुरजीत गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। इससे क्या किया जाता है, सॉइल को पार्ट को क्या किया जाता है, काटा जाता है, चाहे हार्ड सॉइल हो या लूज सॉइल हो, इसका मेन वर्क क्या होता है, सॉइल को काटना, काटकर पलटना, यही होता है। अब काटना और काटकर पलटना, इसका मतलब यहाँ पे जो प्रोसेस होती है, कितना काटना है, काटने का मतलब कितना गहराई तक इसको हम, कितनी गहराई तक सॉइल को काटना है, हमने कल डिस्कस किया था 15 मोर देन, ये कह सकते हैं इसमें मोर देन 50 सेंटीमीटर से अप टू, कब तक ले सकते हैं इसमें, अप टू 40 सेंटीमीटर, यहाँ तक सॉइल को काटा जाता है। अगर हम बात करें इस पार्ट में ही सब सॉइल होता है, इसी पार्ट को सब सॉइल कहा जाता है, तो 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा
हम फर्स्ट जो प्राइमरी प्लाविंग करते हैं, प्राइमरी जो टिलेज होता है उसमें 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा या इससे ज़्यादा गहराई तक, और कहाँ तक हम काट सकते हैं, अप टू 40 सेंटीमीटर गहराई तक सोइल को क्या किया जाता है, काटा जाता है। काटा क्यों जाता है, क्यों काटते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या होता है, क्योंकि हमें सोइल को भुरभुरा बनाना है या कह सकते हैं लूज करना है। लूज क्यों करना है, क्योंकि जो रूट सिस्टम है वो रूट सिस्टम डीप तभी जाएगा तब वहाँ पे सोइल क्या होगी, लूज होगी, तब इजीली अंदर डीप वो जाएगा। अगर डीप जाएगा तो वहाँ से डीप या गहराई से गहराई तक वहाँ से क्या वाटर लेवल वो क्या गेन कर सकता है, वाटर भी इजीली गेन कर सकता है। या दूसरा अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन, वहाँ से क्या गेन कर सकता है या क्या अचीव कर सकता है, न्यूट्रिशन जितना डीप जाएगा, और ये कह सकते हैं जितना डीप जाएगा उतना हाइट भी मेंटेन कर सकता है इजीली, वो गिरेगा भी नहीं, चाहे हवा की बात करें या ज़्यादा पानी भर दिया तो भी नहीं गिरेगा। अब हम बात करते हैं, दो टाइप हमें रखने होते हैं, एक तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो क्या क्या रखना होता है, कितना डीप ले जाना है, कितना डीप हैरो को डीप ले जाना है, या मिट्टी कितनी डीप से हमें काटनी है, कितनी गहराई की मिट्टी को हमें काटना है। वॉइस प्रॉब्लम आ रही है विकास, वॉइस प्रॉब्लम आ रही है सर, एक बार चेक कीजिए वॉइस का इश्यू है क्या, एक बार नेटवर्क इश्यू तो नहीं है विकास, आपके पास देख लीजिए नेटवर्क इश्यू तो नहीं है, बताइए दोबारा एक बार, अगर है तो देखते हैं। हम बात करें पहली चीज तो कितना डीप, तो यहां पे डेप्थ की हम बात कर लेते हैं, कितना डीप हमें रखना है, पहली चीज क्या होगी, डेप्थ हो गई। सेकंड अगर बात करते हैं सोइल को जो हम काट रहे हैं, सोइल को जो काटा जा रहा है उसको फेंकना या कितनी डिस्टेंस पे हमें फेंकना है उसको सोइल को, तो डिस्टेंस भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो दो चीज़ें होगी, देखिए फर्स्ट अगर हम बात करते हैं डेप्थ को और कितनी दूरी में उसको फेंकना है या कितना कटाई करना है, कितने लेवल को हमें काटना है, पहले ये अपने पास में लैंड है उसमें से सबसे पहले ये काटा जाता है, फिर कितना जिस कितने एरिया को हमें काटना है एक साथ में, मतलब एक राउंड में कितने एरिया को काटना है, वो किस वैसे किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उसके डिस्क एंगल पे और उसके टिल्ट एंगल पे, दोनों एंगलों पे डिपेंड करता है। तो चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं, किस टाइप हमें कितना एंगल रखेंगे तो सोइल ज़्यादा काटी जा सकती है या सोइल को गहराई से काटा जा सकता है, ये दोनों जो चीज़ें हैं किस पे डिपेंड करती हैं, डिस्क एंगल और टिल्ट एंगल पे। तो आप लोगों को डिस्क दिखाई दे रहा होगा, ये वर्बली याद रखना है, हमने बात किया, हम इसी चीज़ को पढ़ रहे थे अब तक, 15 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर को प्राइमरी टिलेज में हम काट रहे थे। सोइल जो हार्ड होती है सोइल को क्या लूज़ किया जाता है, इसमें डेफिनेशन की बात करें तो सोइल को लूज़ करने का काम किया जाता है प्राइमरी टिलेज में। और जितने भी प्लाऊ होते हैं, चाहे वो एमबी प्लाऊ हो या रिज प्लाऊ हो या ये कह सकते हैं देसी प्लाऊ हो, वो सारे प्लाउज प्राइमरी टिलेज में यूटिलाइज किए जाते हैं। गॉट इट, समझ में आया, वो क्या किए जाते हैं, प्लाऊ उसमें यूज किए जाते हैं। मेरा नंबर मिल रहा है योगेश, नंबर आ गया है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये लो समझ में आया क्यों हमें एंगल की रिक्वायरमेंट होती है, समझ में आया, और किस बेसिस पे हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो इसको क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। इसका ये एंगल है, इसको तो या तो तिरछा टेढ़ा कर दिया जाएगा या फिर इस तरह उसको घुमा दिया जाएगा, इस तरह घुमा दिया जाएगा, लेफ्ट या अपवर्ड इसको झुका दिया जाता है या टेढ़ा कर दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे वर्बली समझ लेते हैं होता क्या है, फिर ये आप लोग कमेंट करते रहिए कि जिससे समझ में आएगा। ये सारे जो इम्प्लीमेंट्स हैं, सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, वो प्राइमरी टिलेज के लिए यूज़ किए जाएंगे। हम बात कर रहे थे मेन एस्पेक्ट की, तो चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। आप लोगों को वही तवा है जो हम बात कर रहे थे, वो जिसको डिस्क हम बोलते हैं हिंदी में, तवा जो बोला जाता है वही डिस्क है यहाँ पे। गुड इवनिंग निकिता, गुड इवनिंग सत्तू, गुड इवनिंग, आप लोग लेट आते हो, फिर समझ में नहीं आता एक्चुअल में, कैसे समझ में आएगा क्या चीज़ हम पढ़ाने जा रहे हैं, डिस्कशन ही नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, ये वही डिस्क है, कौन सी चीज़ है, सेम अगर बात करें तो वही डिस्क है। अब इस डिस्क से कैसे मेंटेन किया जाता है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिस्क एंगल की। यहाँ पे डिस्क है, डिस्क एंगल कितना होता है, डिस्क एंगल या डिस्क प्लाउ का जो एंगल होता है 42 से 45 डिग्री, मतलब जो उसका एंगल रखा जाता है 42 से 45 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को क्या दिख रहा होगा,
डिस्क एंगल यहाँ पे कुछ शो कर रहा होगा, डिस्क एंगल क्या होता है, एक बार कुछ शो कर रहा होगा। इसमें वर्बली सबसे पहले हम बात करें, ये क्या है, ये डिस्क है। अगर हम इसको टेढ़ा रखेंगे, किसी भी चीज़ को हम टेढ़ा रखते हैं, चाहे मैं पीछे की तरफ टेढ़ा रखूं या साइड में टेढ़ा रखूं, तो डीप जाएगा कि नहीं, वो बिल्कुल भी कम डीप जाएगा। उसकी गहराई बात करें तो कम गहराई तक जाएगा। उसको अगर मैं खड़ा रखूं तो सबसे ज़्यादा गहराई पर जाएगा। तो यही चीज़ होती है, उसको ज़्यादा टेढ़ा कर दिया जाए तो क्या होगा, गहराई पे नहीं जाएगा, वो फिर ऊपर ऊपर खींचता हुआ जाएगा। जितना इसका एंगल कम करते रह जाते हैं उतनी ही वो गहराई में जाता चला जाता है। हल को भी ऐसा ही करते हैं, आप लोगों ने देसी हल को देखा होगा। देसी हल को क्या किया जाता है, उसकी नीचे से जो शेयर जो होता है, नीचे से उसका क्या होता है, शेयर जो होता है देसी का, देसी उसमें हल में होता है ये शेयर, तो उसको क्या कर दिया जाए, झुका दिया जाता है। या आप लोगों ने कल्टीवेटर देखा होगा, ट्रैक्टर का ऊपर वाला जो पार्ट होता है उससे झुका दिया जाता है उनको। जितना हम उनको झुका देंगे उतनी वो गहराई में कम जाते हैं, उनका जितना खड़ा रखा जाता है उतनी ही वो गहराई पे ज़्यादा जाते हैं। यहाँ पे एज इट इज यही चीज़ है, इसको जितना हम झुका दिया जाता है, किसको, डिस्क को जितना झुका दिया जाता है या इसका एंगल कम कर दिया जाता है, तो ये कहा जाएगा इस, ये गहराई में कम जाएगा। और इसका एंगल अगर ज़्यादा, या डिस्क को हम सीधा रखेंगे तो ये गहराई में ज़्यादा जाएगा। यहाँ हम बात कर लेते हैं एज इट इज़ कि कौन से पार्ट से हमें टिल्ट एंगल मेजर करते हैं और कौन से पार्ट से हम डिस्क एंगल मेजर करते हैं। यहाँ बात कर रहे हैं टिल्ट एंगल की, तो टिल्ट एंगल कितना होता है, यही क्वेश्चन आया हुआ है डबल ओ सॉरी एओ में। ये क्वेश्चन आया हुआ है एओ में, एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो एग्जाम हुई थी उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे टिल्ट एंगल, तो टिल्ट एंगल को कैसे मेंटेन किया जाता है। टिल्ट एंगल की बात कर रहे हैं, टिल्ट एंगल में भी वही एंगल है, इसके जो खड़ापन है उसी को, जो जो भी उसका वो रहता है एंगल रहता है, ये मान लीजिए डिस्क है। अब डिस्क को जो मेंटेन करने के लिए इसको क्या करवा दिया जाता है, झुका दिया जाता है। अब दोनों को झुकाया जाता है, ये चीज़ क्लियर है कि दोनों को क्या कर दिया जाता है, झुकाया जाता है। अब कहाँ पे मेंटेन किया जाता है उसके डिस्क के एंगल को, और कहाँ मेंटेन किया जाता है उसके टिल्ट एंगल को, वो समझ लेते हैं। हमने क्या रखा इसको, ये क्या है, सबसे पहले मैं ये बोलता हूँ कि ये वाला पार्ट, ये क्या हो गया, डिस्क हो गया। अब ये बिल्कुल सीधा खड़ा है, किस डायरेक्शन में है, ये बिल्कुल सीधा खड़ा है। यही पिक्चर आपको यहाँ दिख रही होगी, ये एक पार्ट होता है जिसमें सीधा खड़ा क्या है, डिस्क बिल्कुल सीधा खड़ा है। इस पार्ट में देख सकते हैं सीधा खड़ा है। अगर इसको हम झुका देते हैं, मतलब ये एकदम सीधा खड़ा है, सीधा खड़ा होने का मतलब होता है कि ऊपर वाला जो पार्ट और नीचे वाला पार्ट का डायरेक्शन या जो एंगल होता है वो एक लाइन पे होना चाहिए, मतलब सीधा खड़ा। इसका मतलब यहाँ पे इस आउटर में थोड़ा सा वो भी होता है, निकला हुआ रहता है, उस चीज़ को नहीं समझना। यहाँ से क्या होता है, कनेक्टेड होता है ये वाला पार्ट को, यहाँ क्या होती है, सोपट होती है, उसमें एक रोड जिसको बोला जाता है, सोपट से कनेक्टेड होता है। तो ये ऊपर वाले पार्ट में टिल्ट एंगल ऊपर वाले पार्ट को क्या कर दिया जाता है, झुका दिया जाता है। अगर ये वाला, इसकी थोड़ी सी डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं, ये पहले सीधा था, अब मान लीजिए उसको मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा घुमा दिया है, ये हो जाएगा एंगल, वो जिस धुरी में ये वर्क कर रहा है वो तो सेम रहेगी, लेकिन ये क्या होगा, थोड़ा सा उसका एंगल हमने क्या कर दिया, अब घुमा दिया, ये क्या कहलाएगा, इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम टिल्ट एंगल। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, टिल्ट एंगल। ये मेन जो उसका धुर्री होती है उससे इसको मेजर किया जाता है। आप लोग इस पिक्चर में भी देख रहे होंगे, इसमें आपको दिख रहा है तो क्लियर समझ में आ रहा होगा। इस पार्ट को क्या बोला जाता है, इस वाले पार्ट को बोला जाता है टिल्ट एंगल। ये चीज़ समझ में आई, टिल्ट एंगल आप लोगों को समझ में आया, मैसेज कीजिए अगर समझ में आया तो। इसको नेक्स्ट को डिस्कस करें, डिस्क एंगल को डिस्कस करें, जल्दी मैसेज कीजिए। अब हम बात कर रहे हैं, ये तो क्या हो गया, टिल्ट एंगल हो गया। टिल्ट एंगल कहाँ मेजर किया जाता है ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, बात मैं समझाने की कर रहा हूँ। अदरवाइज इसमें दो ही चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, क्या है, एंगल। दूसरी चीज़ एक इंपॉर्टेंट है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे पिक्चर क्लियर दिख रही होगी, ये चीज़ समझ में आई। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मैं हटाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी लीजिए और मैसेज कीजिए समझ में आया नहीं आया। मैसेज नहीं आ रहे अब,
चलिए हम बात कर लेते हैं, ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। ये यहाँ पे मेन धुरी होगी इसकी, जिस पे जिस एंगल पे या जिस रोड में ये कनेक्टेड होता है, क्या डिस्क जिस रोड में कनेक्टेड होता है वो वाला कौन सा पार्ट हो गया, मेन धुरी होगी। अब क्या करते हैं, यहाँ से देखिए, इसको अगर हम बात करते हैं, वर्टिकल का मतलब होता है एकदम सीधा, इस वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, वर्टिकल का मतलब होता है ये वाला पार्ट होता है, और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है उसका जो आड़ा वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं हम, हॉरिजॉन्टल। इस वाले एंगल को अगर हम बोलते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल एंगल। अब ये मोशन मोशन करता है कैसे, आगे की तरफ जैसे ही राउंड करता है, दोबारा दोबारा बता दे कौन सा ले लिया सर, स्क्रीनशॉट ले लिया, विष्णु, ठीक है मैं दोबारा बता दूंगा आदित्य, मैं बिल्कुल दोबारा बताऊंगा, हम इस पर फिर से डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन आता है समझाने की बात कर रहे हैं, नहीं भी समझ में आता है तो हमें कौन सी चीज़ को याद रखना चाहिए उस पर हम ध्यान देते हैं, कोई बात नहीं। विष्णु बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया, हम बात करते हैं यहाँ इसकी, फिर से डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लो, हम फिर से इसको डिस्कस करेंगे, इसमें से कौन से क्वेश्चन बनते हैं उनको भी डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोग समझ रहे हो, अगर वो चीज़ समझ रहे हो तो यहाँ पे एंगल भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला एंगल भी, जो नीचे का जो पार्ट होता है इसका एंगल का राउंड लेने का, ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, इसमें से जो मेन चीज़ है वो समझा देंगे, जो क्वेश्चन बन सकता है उसकी हम बात करेंगे। जो इसके एंगल होने से क्या होने से, एक तो जो ऊपर वाला पार्ट था, ऊपर वाला पार्ट क्या हुआ, अभी झुका, झुकने की वजह से पहले क्या था एंगल, यहाँ मैं किससे समझा सकता हूँ, और अपने पास में कुछ ऐसा है नहीं, यहाँ ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको देखिए एक बार, क्लियर है आदित्य के लिए बोल रहा हूँ, बाकी सबको समझ में आ रहा है। ये अगर हम बात करें, डिस्क है, यहाँ से थोड़ा सा राउंड होता है, अब अगर डिस्क को क्या करते हैं हम, थोड़ा सा झुका देते हैं, डिस्क को क्या किया हमने, थोड़ा सा झुकाया, कौन से डायरेक्शन में, चलिए एक बार कोशिश उसी पिक्चर को करते हैं, नहीं तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा, वैसे समझने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं क्योंकि समझना भी ज़रूरी है, जब तक नहीं समझ में आया तो फिर क्या मतलब हुआ क्लास लेने का। ये डिस्क है, अगर इस ये डिस्क थोड़ा सा टेढ़ा है, आपको दिखाई दे रहा होगा टेढ़ा है, क्योंकि इसका एक एंगल यहाँ पे है, अगर हम बात करें तो इसका एक एंगल यहाँ है और दूसरा एंगल कहाँ पे, यहाँ पे है। सबसे जो मैक्सिमम इसका अगर बात करें डायमीटर की बात करते हैं तो एक एंगल ये तो टेढ़ा हो गया, अगर इसको सेम करें सीधा होता, टेढ़ा है इसीलिए ये डीप जा सकता है, ये एंगल में है, ये प्रॉपर एंगल में इसको फ्रेम किया हुआ है, बनाया हुआ है, तो ये प्रॉपर एंगल में है। कितना एंगल में अगर हमने बात की तो ये 42 से लेकर और 45, तो इसका क्या है डिस्क एंगल है, और वो टिल्ट एंगल कितना है 15 to 25, वो क्या है टिल्ट एंगल है, इसलिए आपको तिरछा दिख रहा है, तिरछा है या प्रॉपर एंगल में है, इसलिए ये सोइल को काट कर फेंक सकता है, जितना गहराई तक हम इसको भेजना चाहते हैं ये मेंटेन किया हुआ, थोड़ा बहुत अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो इसके बेसिस पे और अपने लिफ्ट सिस्टम होता है उसके बेसिस पे इसको मैनेज कर सकते हैं, अदरवाइज इसको प्रॉपर किस एंगल पे मैनेज किया जाता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है टिल्ट एंगल, अगर इसको सीधा करूँ मैं, यहाँ से अगर मैं सीधा करना चाहूँ, एक मिनट आपको दिखाई देगा, अगर मैं यही एंगल बीच वाला है, अगर बीच वाली धुरी से मैं सीधा करना चाहूँ तो ये होगा, ये इसका वर्टिकल फॉर्मेट होगा, इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, वर्टिकल कहते हैं। अगर है ये एग्जैक्ट हम लगाते किसी चीज़ को सीधा, अगर हम लगाते हैं एंगल में, अगर इसमें धुरी में जिसको बोलते हैं रोड बोलते हैं, रोड में अगर हम इसको सीधा लगाते हैं तो ये किस डायरेक्शन में आता है, एकदम सीधा आएगा। अब ये क्या हो गया, ऑटोमेटिक इसको जो लगाया गया है वो डिस्टेंस कवर होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर हो गई, ये कितनी है 15 डिग्री से लेकर ये 25 डिग्री तक हो सकती है, ये क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है टिल्ट एंगल, इसको क्या कहा जाता है टिल्ट एंगल, ये कम होता है, इसको बहुत कम मेंटेन किया जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको टिल्ट एंगल कहा जाता है, ठीक है। अभी तो समझ में आया, ऊपर वाला पार्ट ये देखिए सब झुके हुए हैं, लेकिन इस किस पार्ट को लेते हैं, ये वाला सीधा यहाँ होना चाहिए, और ये अभी प्रेजेंट कंडीशन में क्या हुआ है, ये झुका हुआ है, ये वाला सेम से अगर हम लेते हैं तो हल्का झुक गया, तो थोड़ा सा नीचे वाला भी चेंज हो जाएगा इसका पार्ट को, सेम अगर इसको मैं बात करूं, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है सबसे ज़्यादा जिसका डायमीटर है यहाँ पे चला गया है, ये हल्का झुक गया है बैक साइड में, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है टिल्ट एंगल।
हम बात करते हैं डिस्क की, डिस्क वाला कौन सा पार्ट कहा जाएगा, किस किस को हम डिस्क कहते हैं। डिस्क का मतलब इसको, ये तो होता है एंगल। यहाँ अगर दूसरी बात करें तो इसको क्या किया गया, अभी कंप्लीट ये वाला पार्ट है ये, इसको कंप्लीट अगर हमने क्या किया, थोड़ा सा झुका दिया और भी जो टेढ़ा, तो ये अगर कंप्लीट, इधर देखिए, यहाँ समझ में नहीं आएगा जब तक उस, मैंने हर जगह फ्रेम करने की कोशिश की है। अगर हम उसको उसी तवे को अगर झुका देते हैं तो क्या हो जाता है, डीप डीप जाना जाने लगता है। एक यहाँ पे उस पर्टिकुलर, अगर हमारे पास में ये क्या है, तवा है, पहले तो हमने क्या किया, नीचे वाला एंगल और ऊपर वाले सिर्फ एंगल को थोड़ा सा चेंज किया है। तो चेंज करने के, एक बार आप लोगों के पास में अगर कहीं पे आप डिस्क देखते हैं तो उसको देखिए एक बार, ये वाले पार्ट को घुमाने से, घुमाने से का मतलब इसको अगर हम जितना ज़्यादा रखेंगे डिस्क के एंगल को, जो ज़्यादा रखते हैं तो वो क्या होता है, उतना ही डीपली जाता है। तो इस वाले पार्ट को क्या कहा जाता है वर्बली, मैं बाकी और बताऊँगा आपको, कल इसको फिर से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे और अच्छे से समझा सकें। ये पार्ट इसको कहा जाता है डिस्क एंगल, और ऊपर वाले पार्ट को हमने अगर चेंज किया तो ये क्या होगा, टिल्ट एंगल। हम बात कर लेते हैं एंगल की यहां पे, ये जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पहला तो कितने डिग्री होता है क्वेश्चन, यही पूछा जाता है आपसे, यहां पे बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। किसी को नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, और जिसको समझ में आई पिक्चर है आप ले सकते हैं, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा कैसे इसको घुमाया जाता है, ना आपको डेफिनेशन लिखनी है कहीं पे, अगर बीएससी वाले तो भी उनको डेफिनेशन नहीं लिखनी है। बात कर रहे हैं हम यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ बात करते हैं वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ देसी प्लाउ। अगर वर्बली आपसे पूछा जाए देसी प्लाउ कौन सा होता है, जो एनिमल के थ्रू चलाया जाता है, एनिमल के, अजय बोल रहा है कि आप सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। जो देसी प्लाउ किसको बोला जाता है, जिससे एनिमल से खींचा जाता है, या जिसमें पावर कौन सी यूज़ की जाती है, एनिमल पावर को यूज़ किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, देसी प्लाउ। और हम लोगों ने देसी प्लाउ को कल भी डिस्कस किया था कौन सा वाला देसी प्लाउ है, फिर से उसको देख लेते हैं। ये वाला इसको क्या कहा जाता है, इसी टाइप का देसी प्लाउ आता है यहाँ पे, तो होगा ये वाला देसी प्लाउ, आप लोग देख रहे हैं देसी प्लाउ कौन सा है, इसकी इफिशियंसी पूछा है क्वेश्चन में, ये पूछा जाता है कि इसकी देसी प्लाउ की इफिशियंसी क्या है। इफिशियंसी का मतलब होता है यहाँ हमेशा पर हेक्टेयर में काउंट की जाती है, पर हेक्टेयर या आवर्स में, एक घंटे में कितने, एक घंटे में कितनी एरिया को कवर किया है, या ये कह सकते हैं एक हेक्टेयर को कवर करने में कितने घंटे लगे। तो हमेशा यहाँ कैलकुलेशन किस में होगी, आप लोग के एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है ऐसा जिसमें घंटे के अलावा, आवर्स के अलावा और हेक्टेयर के अलावा कहीं पर भी कोई मीटर में दिया जाए, तो सबसे पहले आंसर आपका ये रहेगा कि आवर्स और यहाँ पर हेक्टेयर को इन्वॉल्व किया जाएगा। यहाँ बात कर लेते हैं इफिशियंसी की, तो इफिशियंसी देसी प्लाउ की कितनी रहती है, 0.32 एचपी पर, इसके अगर हम बात करते हैं एचपी नहीं है, पर हेक्टेयर है यहाँ पे, पर डे, ये हेक्टेयर है यहाँ पे। हम बात करते हैं यहाँ गैदरिंग, गैदरिंग ए प्लाउ वर्क अराउंड ए स्ट्रिप ऑफ प्लाउडेड लैंड, एक होता है कास्टिंग ए प्लाउड वर्क अराउंड ए अनस्ट्रिप लैंड, ये आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं समझ में आया होगा, मैं समझा देता हूँ। देखिए दो टाइप से हम प्लाउ काटते हैं, अगर कोई फार्मर का बेटा है या खेती करता है उसको पता होगा, हमारे पास में क्या है, ये लैंड है। जो चीज़ नहीं समझ में आता उसके लिए मैं यहीं पे इसीलिए तो खड़ा हूँ मैं, हमारे पास में लैंड है तो इसको दो तरह से काटते हैं, क्या करते हैं, एक साइड से काट कर इधर फेंकते हुए आ रहे हैं, फिर ट्रैक्टर इधर से गया राउंड मार के इधर से गया, फिर इधर से काट कर इधर फेंक दिया, ऐसा ही किया जाता है, जल्दी बोलिए कमेंट में बोलिए। फिर दोबारा आएगा यहाँ से काटता हुआ, फिर इधर से चला जाएगा, इधर काटता हुआ इधर फेंकता हुआ चला जाएगा, ऐसा ही होता है, इधर फिर इधर से राउंड मार के इधर से आया, इधर काटता हुआ इस साइड फेंकता हुआ जाएगा, और फिर यहाँ से घूमते हुए चला जाएगा, फिर यहाँ पे फेंकता हुआ जाएगा, ऐसा ही होता है। अगर दूसरी हम प्रोसेस की बात करते हैं, ये इस साइड में फेंक रहा है, इस साइड में फेंक रहा है उसको, तो यहाँ क्या होगी, इस वाले पार्ट में ये हो गया अनप्लाउड, एक तो हुआ है प्लाउड, प्लाउड का मतलब हो गया, इसमें टर्म यूज किया है प्लाउड, इसका मतलब ऑलरेडी उस एरिया में हम प्लाउ कर चुके हैं, प्लाउइंग कर चुके हैं, उसको क्या कहा जाता है, प्लाउड कहा जाता है। हम बात करते हैं यहाँ पे
दूसरे वाले पार्ट की बात करते हैं, ये क्या होगा, ये वाला अगर पार्ट हम बात करें इसको कहा जाएगा अनप्लाउड, इस वाले पार्ट को क्या कहा जाएगा, अनप्लाउड। इसको कहा जाता है अनप्लाउड क्योंकि यहां पे अभी तक प्लाउ यूज नहीं किया गया, प्लाउइंग नहीं की गई। इस वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, प्लाउड, इसमें प्लाउड हो चुका है, यही कहा जाता है, समझ में आया। दूसरी चीज की हम बात कर लेते हैं, दूसरा क्या मेथड चूज किया जाता है, अगर हम दूसरे की बात करें तो यही वह सेम लैंड है, इसमें प्लाउइंग क्या की जाती है, बीच में काटता हुआ आ रहे हैं, फिर यहीं से इसके पास पास में वापस काटते हुए चले गए, फिर इधर वाली इधर इस साइड में, इसमें क्या होता है, अंदर की साइड में सोयल को फेंका जाता है, यहाँ काटते हुए आए इधर से इस वाली डायरेक्शन से, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, प्लीज़ बताइए, यहाँ से काटते हुए गए तो इस साइड में फेंकते हुए चले गए, दोबारा वापस ट्रैक्टर घूम के आया तो यहाँ पे इस साइड में फेंकते हुए चले गए, फिर से यहाँ पे घूमते हुए आया इस साइड में फेंकते हुए चले गए, यही होता है। तो सेंटर से हम क्या करते हैं, काटते हैं, सेंटर से क्या किया जाता है, काटते। अब क्या हो गया, ये तो हो गया अनप्लाउड, जिसको काटा नहीं, ये कह सकते हैं जिसको अभी तक काटा ही नहीं है वो क्या कहलाएगी, अनप्लाउड कहलाएगी, जिसमें प्लाउइंग नहीं की हुई है, यहाँ सेंटर से की हुई है, यहाँ पे क्या किया है, बाहर की तरफ फेंका हुआ है। अब देखिए टर्म, आप लोगों ने बार बार इंग्लिश अगर जिसको पता है तो वो जानता होगा, दो टर्म, गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा, गैदरिंग का मतलब क्या होता है, इकट्ठा, और अगर दूसरे टर्म को यह बोले कास्टिंग, कास्टिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को अलग कर देना, सेपरेट करना, दूर फेंकना, क्योंकि ये टर्म यूज करते हैं ना, कास्ट, बाई कास्ट क्या है, तो उसको क्या, कास्ट का मतलब क्या, कहाँ से टर्म लिया गया था, टर्म लिया गया कि सबको डिफाइन कर दिया, अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया है, वही कास्ट का मतलब होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होगी, कास्ट का मतलब हुआ है सेपरेट कर दिया, उस जगह से बाहर की साइड में डाला है उनको, बाहर यहाँ एक जगह पे थे, ये कह सकते हैं कि एक ह्यूमन था, सभी को एक, सभी क्या थे, एक मानव थे, लेकिन अभी सभी का को अलग अलग कास्टों में डिवाइड कर दिया गया, मतलब सबको अलग अलग कैटेगरी दूर दूर कर दी, आप इससे हो, आप इससे हो, ये सब कैटेगरी होगी। कास्ट का मतलब ही होता है किसी चीज़ को दूर कर देना, गैदर का मतलब होता है किसी को एक साथ में लाना, इकट्ठा करना। अब यहाँ पे कास्ट कहाँ पे यूज हुआ है, यहाँ देखिए, ए प्लाउ वर्क करता है, कैसे काम करता है, अराउंड, किसके अराउंड, स्ट्रिप, मतलब का मतलब, स्ट्रिप का मतलब होता है जो लाइन है, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो हिंदी में मीडियम से हैं, बार बार हिंदी में एक्सप्लेन करने की बात करते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट कर लीजिए, स्ट्रिप यानी लाइन में कटाई होती है, प्लाउ की तो लाइन में ही होती है, हम बात किसकी, स्ट्रिप ऑफ प्लाउड लैंड, प्लाउड लैंड के, यहाँ पे प्लाउड है, इसके चारों ओर ट्रैक्टर घूम रहा है, यहाँ से घूमता हुआ, इधर से घूमता हुआ, इधर काटता हुआ, इसको अंदर की तरफ डाल रहा है, तो प्लाउड लैंड के चारों ओर काट रहा है, क्योंकि प्लाउड अंदर की ओर हो गया, फिर ये यहाँ से आएगा काटता रहेगा, इधर से जाएगा अंदर फेंकता हुआ जाएगा, इधर से फिर आएगा घूमकर, फिर इधर अंदर फेंकता हुआ जाएगा, इस तरह धीरे 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 पूरी लैंड कट जाएगी। तो ये क्या हुआ, प्लाउड हो गया, ये प्लाउड मतलब कल्टीवेट की हुई, इसके चारों ओर वो काटता जा रहा है, उसको क्या कहते हैं, गैदरिंग कहा जाता है, मतलब अंदर की तरफ उसने इकट्ठा किया जा रहा है, वो इकट्ठी अंदर की तरफ फेंक रहा है, सोइल को क्या कर रहा है, अंदर की तरफ काटता हुआ चला जा रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, बीच में से सोइल को बाहर फेंक रहा है दोनों तरफ से। तो यहाँ पे क्या किया, ए प्लाउ वर्क कैसे वर्क करता है, अराउंड, किसके अराउंड, ए स्ट्रिप ऑफ अनप्लाउड, अनप्लाउड का मतलब जहाँ जिस सोइल को काटा हुआ नहीं है उस लैंड के चारों ओर वर्क करता है। तो ये टर्म आप लोगों को समझ में आया, देखिए यहाँ पे इसको क्या कर रहा है, बाहर फेंकता हुआ जा रहा है, इधर क्या किया इसने, स्टार्टिंग में अंदर फेंकता हुआ सोइल को आया, जो इनसाइड में हम सोइल को फेंकते हैं वो होती है गैदरिंग प्लाउ, और कास्टिंग प्लाउ कौन सी होती है, जिसमें बाहर की तरफ फेंकते हैं लेकिन बीच में वाला जो पार्ट होता है वो अनप्लाउड वाला पार्ट होता है। अब चलिए एक बात और कर लेते हैं, हमें ये क्यों डिस्कस किया हमने, इसके पीछे क्या रीजन है, पहला तो ये टर्म पूछे जाते हैं, टर्म दे दिया जाएगा और उसमें ऑप्शन में क्या आएगा, इनमें से प्लाउड लैंड के जो स्ट्रिप होती है वो प्लाउड लैंड के बाहर की तरफ किया जाता है या अंदर की तरफ, वॉट एवर, इससे और क्वेश्चन क्यों किया जाता है। देखिए हम अगर बार बार अंदर की अंदर सोइल को फेंकते जाएंगे ना, हर साल क्या करनी पड़ती है, हमें प्लाउइंग करनी पड़ती है। राहुल ओझा जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, अगर हम बात करते हैं प्लाउइंग की, तो अगर बार बार सोइल को अंदर की साइड में फेंका जाएगा तो क्या होगा, बीच वाला जो पार्ट हो जाएगा अपनी लैंड का, अपनी जो जगह है या जमीन है उसका बीच वाला पार्ट की क्या हो जाएगा, हाइट वो ज़्यादा होगी, स्लोप इस तरह का लैंड नहीं हो जाएगा बार बार करने की वजह से, क्योंकि बार बार हम अंदर की साइड फेंक रहे हैं, हर साल अंदर की तरफ ही उसको काटा जा रहा है। ज्योति गुड इवनिंग, ज्योति आज भी आप लेट हो,
हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बार बार काटने की वजह से यहाँ स्लोप ज़्यादा हो जाएगा, बाहर की तरफ स्लोप हो जाएगा सोयल का। तो अब क्या 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 रीज़न होगा, अगर स्लोप ज़्यादा हो गया सोयल का तो क्या होगा, इरोजन सबसे ज़्यादा हो। जय किसान जय भारत, इरोजन क्या होगा, इरोजन ज़्यादा होगा। इसके अलावा और कह सकते हैं वहाँ पे जो हम कैरियाँ वगैरह बनाते हैं प्रॉपर वाटर किसके थ्रू, खुले जो ओपन में हम वाटरिंग करते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके पीछे यही रीज़न है कि हम कौन सा वाला गैदरिंग वाला प्लाउ लेना चाहिए या हमें कास्टिंग वाला करना चाहिए। तो यही कहा जाता है कि एक बार अगर गैदरिंग कर रहे हैं, एक बार हमें कास्टिंग वाला कास्टिंग टाइप के प्लाविंग करनी चाहिए। दैट मीन्स एक बार हम अंदर की तरफ सोयल को फेंक रहे हैं तो दूसरी बार हमें बाहर की तरफ करना चाहिए। तो टर्म आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि प्लाविंग और जो इसका बात करें प्लाविंग का बेस्ट मेथड कौन सा है, तो वन ईयर कास्टिंग वन ईयर गैदरिंग। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अच्छा लाइट नहीं थी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हो है मौसम ही ख़राब है, जयपुर में बारिश हो रही है तो कोई बात नहीं है। ये समझ में आया, समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग प्लीज़, और समझ में आया तो कमेंट करके बताइए यस या नो, नहीं तो फिर दूसरा हम मेथड यूज़ करें। जल्दी बताइए, ये ज्योति आपको तो समझ भी नहीं आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए हम डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट को। अब हम बात करने वाले हैं आज इसके वर्किंग एफिशिएंसी को। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है विष्णु, या ठीक है विष्णु, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, अपने पास में जो प्लाऊ यूज़ करते हैं उनकी लेंथ डिफरेंट होती है। अगर हमने देसी प्लाऊ यूज़ किया तो उसकी लेंथ कम होती है। मान लीजिए उसकी लेंथ अराउंड देसी प्लाऊ की क्या होगी, देसी प्लाऊ की 150 mm से ज़्यादा नहीं होने वाली, उससे भी कमी होती है। जो हम हल यूज़ करते थे पहले बैल के थ्रू, ठीक है राहुल बोल रहा, ठीक है चलिए ठीक है, अच्छा लगा कि हाँ आपको समझ में तो आ रहा है, मेरी मेहनत तो काम आ रही है कम से कम। बारिश हो रही है, हाँ सभी जगह हो रही है, जयपुर में भी आंधी बारिश यही चल रहा है, फिर भी देखिए आप लोग के लिए भाग भाग हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग पढ़िए प्लीज़। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो किस बेसिस पे हम काउंट करते हैं कि एक दिन में अपने पास में अगर ये प्लाऊ है तो कितने एरिया कवर कर सकते हैं, आप लोगों को दे दिया जाएगा। कितना सेंटीमीटर प्लाऊ की साइज़ क्या है, 15 mm हो सकती है, या ये कहा जा सकता है कि एक प्लाऊ की जो एक प्लाऊ वाला जो पार्ट होता है, एक तवा जो होता है वो कितना काटता है, उसका एरिया कितना है, उस हिसाब से वो उसको काटेगा। जितना अगर बड़ा होगा तो कुछ ज़्यादा एरिया को काटेगा, छोटा होगा उसका जो डिस्क बोलते हैं तो कम एरिया को काटेगा। या एक होता है MB प्लाऊ भी होता है तो उसका भी लेंथ के अकॉर्डिंग वो काटेगा। ठीक, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किसी में दो भी होते हैं, दो डिस्क भी होते हैं, किसी में तीन डिस्क भी होते हैं। आप लोगों को दिखाई तो दे रहा नहीं, 2-3 मुझे लग रहा है इनके साइज़ थोड़ा सा कम है। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है। इसका मतलब ये होता है किसी प्लाऊ में 3 डिस्क होते हैं, किसी प्लाऊ में क्या होते हैं, 2 डिस्क होते हैं। मैंने अच्छी हर तरीके से इसको फ्रेम करने की कोशिश की है। यहाँ पे देखिए कितने डिस्क वाला प्लाऊ है, ये 3 डिस्क वाला प्लाऊ है, 3 डिस्क वाला प्लाऊ है। एक डिस्क की अगर इसकी एवरेज साइज़ अगर हम बात करते हैं एवरेज साइज़ की कितनी होती है, क्योंकि सभी का एवरेज हमें रखना होता है, तो एवरेज साइज़ कितनी होती है उसकी बात करें तो एवरेज कितनी होती है, ये 350 mm इसकी होती है, 350 mm साइज़ होती है एक प्लाऊ की। तो अगर दो प्लाऊ है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 प्लाऊ है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आशीष, आशीष किसके लिए बोल रहे हो, समझ में आ रहा है, गुड इवनिंग कर रहे हो, तो ये समझ में आया। यहाँ पे क्या है, 3 प्लाऊ है, हम बात कर लेते हैं इसकी साइज़ कम है तो उसको ये कम उसको कल्टीवेट करेगी, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा घंटों में। मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे हम घंटों में और हेक्टेयर में डिस्कस करते हैं, कितना हेक्टेयर हुआ, कितने घंटे लगे, कितने घंटों में कितना हेक्टेयर कवर होगा। एक अगर प्लाऊ ये है MB प्लाऊ है तो कितने घंटे में कितने हेक्टेयर को कवर करेगा, या कितना एरिया को कवर करेगा, या एक हेक्टेयर को कवर करने के लिए कितने घंटे लगेंगे। प्लाऊ का नेम दे दिया जाएगा, सुनील हेलो फ्रेंड को हेलो कर रहा है, यहाँ पढ़ लो सुनील एक बार। हम बात कर लेते हैं, ये आप देख रहे हो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर से आप देख सकते हो रिज प्लाऊ ये है, ये रिज प्लाऊ को देसी वाला जो उससे खींचा जाता है एनिमल के थ्रू। यहाँ पे मोल्ड बोल्ड प्लाऊ आप देख सकते हैं, इनकी जितनी साइज होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो जितना साइज होगा उसी हिसाब से वो क्या करेगा, सोइल को काटेगा या लैंड को कवर करने की कोशिश करेगा। दूसरा क्या होता है, नंबर ऑफ यहाँ पे भी इन्वॉल्व होते हैं। चलिए तो ये तो समझ में आ गया, इसको डिस्कस कर लेते हैं हम, ये इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं
स्टेट ऑफ वर्किंग कैपेसिटी ऑफ प्लाउ, प्लाउ की वर्किंग कैपेसिटी कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा IBPS में और नाबार्ड की एग्जाम में इस टाइप के टर्म पूछे जाते हैं। क्यों, यही ज़्यादातर क्यों होते हैं, या इंजीनियरिंग वहाँ पे सबसे ज़्यादा IBPS में क्यों पूछा जाता है? इंजीनियरिंग के आपको 4-5 क्वेश्चन तो देखने को हर बार मिलते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या होता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा अपने अगर बात करें इन पे लोन वगैरह प्रोवाइड करवाना, या इफ़िशेंसी एक फार्मर को किसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, वहाँ अगर हम प्रोजेक्ट प्लान करके देते हैं किसी बैंक को, हमने ये प्रोजेक्ट बनाया, इतनी हमें मशीन चाहिए, इतने ट्रैक्टर चाहिए, कितने SP का ट्रैक्टर चाहिए उसके लिए, तो वो किसको पता होता है? वो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट होता है, उसी को पता होता। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो उसको रिक्वायरमेंट एक उसके पास में अगर 2 हेक्टेयर या 10 हेक्टेयर है तो कितना मशीन उसको रिक्वायरमेंट होती है, या फिर कितनी, अगर मैं बोलूँ मेरे पास में 10 ही हेक्टेयर है और मैं बैंक वाले को बोलता हूँ 10 हेक्टेयर के लिए मुझे 2 ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट है, या 10 हेक्टेयर के लिए मुझे 5 हल की रिक्वायरमेंट है, या कल्टीवेटर की रिक्वायरमेंट है 5, तो वो थोड़ा हमें पैसा प्रोवाइड करवाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास में 10 हेक्टेयर है और इस बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है कि ये तो एक कल्टीवेटर या एक प्लाउ से ही हम कल्टीवेट कर सकते हैं 10 हेक्टेयर, तो एक्स्ट्रा पैसा क्यों देगा? वो बोलेगा नहीं, एक के लिए मैं दे सकता हूँ, 5 के लिए तो मैं नहीं दे सकता। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं, वर्बली हम बात करते हैं, इतना डीपली होता नहीं, लेकिन बात करें। अशोक ढाकर बोल रहा है, हाय हाय अशोक, तो इधर ध्यान दीजिए, हम बात करते हैं कैलकुलेशन करते हैं, करने के लिए कौन सा पर्पज होता है, कितना वहाँ पे कल्टीवेशन होता है। फर्स्ट बात करें हम MB प्लाउ, मोल्ड बोल्ड प्लाउ जिसको बोला जाता है, लेकिन यहाँ MB प्लाउ कौन सा वाला है? MB प्लाउ एनिमल से जो हम यूज़ करते हैं, एनिमल पावर से जो यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल एनिमल पावर से जो MB प्लाउ यूज़ किया जाता है उसकी साइज़ भी कम होती है। कितने साइज़ का होता है? 150, ये एवरेज होता है, 150 का होता है, एवरेज होता है। बाकी अगर हम प्लाउइंग की बात करें तो आप देख रहे हो यहाँ पे 350 है, 350 है, कौन से वाले? जो ट्रैक्टर से खींचे जाते हैं, 350 mm इनकी साइज होती है एवरेज, यहाँ पे आप हर किसी में देख रहे हो, तो ये आप लोगों को याद रखना है, 350 उसकी साइज रखते हैं। लेकिन यहाँ देसी का अगर बात करें तो 150 इसका आधा ही रखा जाता है। गुड इवनिंग राम रूप, बहुत लेट हो यार, आपके यहाँ भी लाइट नहीं आ रही है। यहाँ बात कर रहे हैं कितना एरिया कवर करता है, तो उसकी बात कर लेते हैं। MB प्लाऊ आप लोगों को पता है MB का मतलब होता है मोल्ड बोल्ड का मतलब क्या होता है, जो सोयल को काट कर फेंकता है वो, तो उसमें क्या होता है, मोल्ड बोल्ड प्लाऊ में क्या होती नहीं होती, डिस्क नहीं होती, इसलिए वो क्या करता है, सीधा चलता है और काट कर पलट देता है, सोयल को पलट देता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, मोल्ड बोल्ड प्लाऊ कहते हैं, मोल्ड पलटना सोयल को डायरेक्टली। तो अगर हम बात करते हैं एक एनिमल से चलने वाला मोल्ड बोर्ड प्लाऊ, वो कितना कवर करेगा, अगर हम बात करते हैं तो 150 उसकी साइज होगी, और अगर एक घंटे में, ये टर्म पूछ लिए जाते हैं, एक घंटे में एक मोल्ड बोर्ड प्लाऊ है, एक घंटे में कितना एरिया को कल्टीवेट कर देगा, तो एक घंटे में कितना एरिया कल्टीवेट होगा, 0.024। यहाँ बात कर रहे हैं दूसरे वाले वर्किंग कैपेसिटी कितने घंटे लगेंगे एक हेक्टेयर को, अगर यही 150 जिसकी जो क्या है चौड़ाई की कितनी है 150 mm, अगर वो एक घंटे में इतनी एरिया को काटता है तो वही एक हेक्टेयर को कितना टाइम लगाएगा, एक हेक्टेयर को 40 से 42 घंटे लगाएगा। कौन सा वाला अगर बात करें तो एनिमल से चलने वाला, तो एनिमल से चलने वाला 150 mm उसकी साइज होती है, वो एक घंटे में कितना एरिया कवर करता है, 0.024। और वही अगर हम बात करते हैं तो एक हेक्टेयर में कितने घंटे लगाता है, एक हेक्टेयर में 42 आवर्स लगाता है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं हम बात कर लेते हैं, ये टर्म आपको यूज़ करना वो याद रखना पड़ेगा, बाकी किस तरह याद रखते हैं वो भी मैं बताता हूँ, आप लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी यहाँ पे क्लास में, बहुत ईजी वे में लेकर चलते हैं, और कैसे हम लर्निंग कर सकते हैं लॉन्ग टाइम तक, कैसे उसका आंसर दे सकते हैं, सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होंगी। अब हम बात करते थे सेमी MB प्लाऊ जो यूज़ किया जाता है, MB प्लाऊ यहाँ पे भी MB प्लाऊ, ये कौन सा है टर्म देख लीजिए, कौन सा वाला, एनिमल के वाला चलने वाला है, यहाँ पे ट्रैक्टर से चलने वाला है, तो ट्रैक्टर से चलता है, एक दो टाइप के होते हैं, एक तो हमने अभी देखा है 3 वाला, कौन सा वाला, यहाँ पे 3 वाला तो डिस्क देखा है हमने, यही होता है, इसको मोल्ड बोल्ड प्लाऊ कहते हैं, यहाँ पे 3 डिस्क हैं, इसमें ट्रैक्टर में देख रहे हैं 2 डिस्क वाला, इसमें यहाँ पे 2 ही डिस्क हैं, तो इसकी लेंथ कितनी होती है, लेंथ की अगर हम साइज की बात करते हैं,
साइज की बात करें तो इसमें साइज कितना होता है? 350 mm। इसकी साइज क्या है? 350 mm। तो ये कितनी साइज को, 350 को अगर 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? कोई बताएगा मेरे को कितना हो जाएगा? मुझे तो नहीं पता कितना हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी तो कितना हो जाएगा, ये 1050, ये कितना एरिया हो जाएगा? 1050, यही होता है 1050 mm। तो इसका मतलब ये हो गया, ये एक बार चलकर जाएगा तो 150 mm एरिया को कवर कर लेगा। यहाँ अगर दो होते तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ कितना हो जाता, 700 mm, मतलब 700 mm एरिया को ये एक बार चलने पे कवर कर लेगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे। तो अब तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो किसी चीज़ को भी, कैसा भी आपको दे दिया जाए। आई थिंक हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 2 डिस्क वाला अगर कोई है तो सेम उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं कितना एक घंटे में कितना एरिया को कवर करता है, 0.20 सेकेंड से लेकर 0.25 से, 0.20 से लेकर 0.25 एरिया को एक घंटे में कवर करता है, एक घंटे में काट देता है। राधे राधे मुक्काबाज भरतपुर, राधे राधे। चलिए बात करते हैं यहाँ पे एक हेक्टेयर को काटने में कितना टाइम लगाता है, या एक हेक्टेयर को प्लाविंग में कितना टाइम लगेगा। तो हम बात करते हैं 4 से 5 घंटे में, कौन सा वाला, ट्रैक्टर से चलने वाला, कितना टाइम कंज्यूम होगा, 4 से 5 घंटे। सेम अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डिस्क की, एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं साथ के साथ में ही, डिस्क प्लाउ भी ट्रैक्टर से चल रहा है, यहाँ बात करते हैं MB प्लाउ भी किससे चल रहा है, ट्रैक्टर से चल रहा है। तो इसकी साइज हमने डिस्कस किया कि दोनों की 350 है, यहाँ पे भी बात करते हैं इसकी भी 350 है। जिसका दो तवे हैं या दो डिस्क हैं, इसमें भी दो वाले क्या हैं, एंगल हैं, वहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, दोनों का देखिए साइज, एरिया भी कवर सेम होगा और यहाँ पे टाइम भी सेम लगेगा। उसमें भी 4 से 5 घंटे थे, यहाँ चाहे डिस्क वाला हो लेकिन 2 अगर उसमें डिस्क हैं तो भी उतना ही टाइम लगेगा, 4 से 5 घंटे। तो आपको एडिशनल याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। समलिता, ओके सर। हम बात करें इसके दूसरे वाले पार्ट की, अगर यहाँ पे 3 है, 3 वाला पार्ट है, तो यहाँ पे कौन सा वाला है, एक घंटे में 0.3, और ये कह सकते हैं एक घंटे से लेकर 0.35, कितना टाइम लग जाएगा, 3 से 4 घंटे, क्योंकि साइज बढ़ गई तो यहाँ पे टाइम कम हो गया, साइज बढ़ी टाइम कम हुआ। इधर भी देख सकते हो सेम है, वही सेम है, साइज बढ़ी, इसमें 3 तवे हो गए, 3 डिस्क हो गई, यहाँ पे टाइम कम हो गया। यही तो इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल यही इसी इसमें से दे दिया जाएगा कोई भी नंबर, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपको बोल दिया जाएगा 3 डिस्क हैं, एक डिस्क की साइज 350 है, यहाँ पे डिस्क कितनी है, 3 डिस्क हैं, तो आप बताइए कितना एरिया कवर हो जाएगा। 2 डिस्क हैं, अगर 350 भी नहीं दिया जाए, आपको बोल दिया जाए 2 डिस्क वाला प्लाऊ है, तो वो कितना टाइम लेगा, एक हेक्टेयर को काटने में कितना टाइम लेगा, तो आप बता सकते हैं 2 डिस्क वाला 4 से 5 घंटे लेता है, 3 डिस्क वाला कितने लेगा, 3 से 4 घंटे लेगा एक हेक्टेयर को काटने में। समझ में आया? इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। ये अपना प्लाविंग का पार्ट कंप्लीट हुआ, या ये कह सकते हैं प्राइमरी टिलेज वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चले नेक्स्ट पे चलें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये वाला अगर हम बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस वाले को ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलते हैं दोनों में, या तो टाइम पूछ लिया जाता है, या ये कहा जाता है कि एक घंटे में कितना एरिया कवर हो जाएगा, ये पूछ लिया जाता है, तो ये कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है। चलिए तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे कौन सा है, सेकेंडरी टिलेज। हमने प्राइमरी टिलेज को बिल्कुल डिस्कस कर लिया, प्राइमरी टिलेज में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, या ये कह सकते हैं इम्प्लीमेंट्स जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं, वो भी हमने डिस्कस कर लिए अलग से ना करके उसमें। फिर ये चीज़ हमने डिस्कस कर लिया कि उससे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, प्राइमरी टिलेज से कौन कौन से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, वो भी हमने डिस्कस कर लिया, तो क्यों ना सेकेंडरी टिलेज को डिस्कस कर लिया जाए। देखिए सेकेंडरी टिलेज में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पे ऑल एक्टिविटीज़, इसको छोड़कर वर्बली आप समझ लीजिए, फिर इसको सेपरेट करके एक टेबलेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी प्राइमरी में आती हैं, कौन कौन सी सेकेंडरी में आती हैं, प्राइमरी का पर्पज़ क्या होता है, सेकेंडरी का पर्पज़ क्या होता है, कब हमें प्राइमरी करनी चाहिए, कब हमें सेकेंडरी करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें कन्फ्यूज़ करती है बहुत ज़्यादा, तो वही चीज़ हम फ्रेम करेंगे, जो चीज़ एग्ज़ाम में पूछी जाती है जो कन्फ्यूज़ करती है उसी को हम दूर करने की कोशिश करेंगे।
हम वर्बली बात कर लेते हैं पहले कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे इम्प्लीमेंट यूज किए जाते हैं उनके बारे में, और उसके बाद में इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, किस किस पार्ट को किस में इन्वॉल्व किया गया है। हम इसकी अगर डेफिनेशन की ये बात करें, डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो ऑल एक्टिविटीज, ऑल एक्टिविटीज का मतलब क्या हुआ भाई, ये तो बेवकूफ बना रहे हो। नहीं, ऑल एक्टिविटीज हिंदी वालों के लिए मैं बोल रहा हूं, ऑल एक्टिविटीज, लेकिन आफ्टर प्लाविंग, प्लाविंग करने के बाद की ऑल एक्टिविटीज, कौन सी वाली, प्लाविंग करने के बाद की जो ऑल एक्टिविटीज होती हैं वो सारी सेकेंडरी में आती हैं। और कहाँ तक प्लाविंग कर सकते हैं, हमने एक चीज़ में जो अगर मोटे मोटे तौर पे याद रखें तो कौन सा वाला पार्ट है, 15 से लेकर 40 सेंटीमीटर जो डीप होता है उस सोइल को काटने के लिए, सब सोइल को काटने के लिए हम प्लाविंग यूज करते हैं। दूसरा प्लाविंग यूज करते हैं हार्डपन को तोड़ने के लिए प्लाविंग यूज की जाती है, इतना समझ के रखो, बाकी हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। बात करते हैं आफ्टर प्लाविंग जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो सेकेंडरी टिलेज में काउंट होती हैं। यहाँ कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स होते हैं, किसके लिए, पुलवेराइजिंग के लिए कि और किसके लिए, स्मूथनिंग करने के लिए, सोयल को और भी स्मूथनिंग करने के लिए, या क्या कहा जा सकता है, पैकेजिंग ऑफ सोयल सीड बेड जो प्रिपेयर करते हैं उसके लिए, या इसके अलावा ये कहा जाता है हम वीडिंग वगैरह जो निकालते हैं उस वाले पर्पज़ के लिए भी, या कहीं पे आप लोगों ने देखा होगा रोटावेटर होता है तो रोटावेटर का पर्पज़ भी, और दूसरे वाले और इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, हैरो की हेल्प ली जाती है, कल्टीवेटर, पडलर, पडलर भी सेकेंडरी में ही आएगा, पडलर का क्या पर्पज़ होता है, किस में यूज़ किया जाता है वो भी डिस्कस करेंगे, हॉइस, हुइज का क्या पर्पज़ होता है, और रोलर, रोलर का भी क्या क्या पर्पज़ होता है, ये भी सेकेंडरी में ही आता है, कम अंडर सेकेंडरी टिलेज, ये सारे किस में, सेकेंडरी टिलेज में। तो अगर क्वेश्चन अभी भी क्लियर है, प्लाविंग को छोड़कर सारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो किस में आते हैं, सेकेंडरी टिलेज में आते हैं। सिर्फ अगर आपके पास में प्लाविंग टर्म आ जाए, एम बी प्लाउ क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने कल ही डिस्कस किया कि एम बी प्लाउ से क्वेश्चन आया हुआ था, तो एम बी आई बी पी एस में क्वेश्चन आया हुआ था, तो इस तरह की प्लाविंग अगर वहाँ पर दी जाती है आपको तो ये टर्म किससे रिलेटेड है, प्राइमरी टिलेज से रिलेटेड है, या इस इंस्ट्रूमेंट से या इम्प्लीमेंट से हम प्राइमरी टिलेज करते हैं, सेकेंडरी टिलेज इन इन इम्प्लीमेंट से किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन से हैं सेकेंड टिलेज में। फर्स्ट अगर बात करते हैं तो क्या होगा, हैरो होगा, तो हैरो होगा तो किस टाइप का हैरो होता है, किसको हैरो बोलते हैं, इसके वर्क क्या होते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अशोक ब्लेड, कौन से वाली ब्लेड की बात कर रहे हो अशोक, यहाँ हैरो के नेम की अगर बात करें, इंपॉर्टेंट, डिस्क हैरो होता है वही एज इट इज, जैसे प्लाउ होता है डिस्क वाला उसी टाइप का, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्क ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ डिस्क ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे जो गहराई होती है सोइल को काटने की वो बहुत कम होती है, ये कह सकते हैं कि 15 सेंटीमीटर अराउंड 15 या लेस देन 15 सेंटीमीटर होती है, यहाँ पर्पज़ हैरो का अलग होता है। दूसरी बात करते हैं, फर्स्ट हो गया डिस्क हैरो, सेकेंड बात करते हैं हैरो पटेला, हैरो पटेला ये देखा है आपने, हैरो पटेला किस किसने देखा है जल्दी कमेंट करके बताइए, हैरो पटेला किस किसने देखा है, या पहली बार तो नहीं सुना हैरो पटेला, चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, छोड़ेंगे किसको नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे ये क्या होगा, सॉरी ये गलत हो गया, स्पाइक टूथ, ये क्या है, स्पाइक टूथ ये भी कैटेगरी में आता है, स्पाइक टूथ भी एक हैरो होता है, जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसको जानते हो या नहीं जानते, हैरो पटेला को आप जानते हो या नहीं जानते। हम बात कर लेते हैं ट्राइंगुलर हैरो भी आता है, एक कौन सा होता है, स्पाइक टूथ आता है, एक ट्राइंगुलर हैरो भी आता है, पहली बार सुना है सर जी, सुरजीत कोई बात नहीं, पहली बार सुना तो इसके लिए तो बैठे हुए हैं हम, जो चीज़ आपने पहली बार सुनी हुई है उसको हमेशा के लिए आपकी मेमोरी में फीड कर देंगे, डोंट वरी। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं किस किस टाइप के हैरो होते हैं और इनके पर्पज़ क्या क्या होते हैं। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ, बाकी आई थिंक हटाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी लीजिए आप लोग, ज्योति नहीं पता कोई बात नहीं अभी दिख जाएगा, स्क्रीनशॉट लिया, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम आज डिस्कस कर लेते हैं हैरो को, फिर कंप्लीट करते हैं और कल डिस्कस करेंगे। चलिए तो ये है अपने पास में हैरो,
देखो पटेला का मतलब लकड़ी का हैरो या पटेला का मतलब देसी हैरो एक गांव में बोला जाता है अभी भी कहीं कहीं पे। पटेला किसको बोलते हैं, जो पाटा टाइप का आता है, पाटा जिसको बोल जाता है, उसमें ही क्या किया जाता है यहाँ पे, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, रोड इसमें लगा दी जाती है, हल टाइप की रोड लगा दी जाती है। लकड़ी के जो पाटा आता है या जिसको कह सकते हैं हम फर्नीचर आता है या इसको और क्या क्या कह सकते हैं, ये लकड़ी का आपको दिखाई दे रहा है, ये बैलों से खींचा जाता है, ये बैलों से या एनिमल से खींचा जाता है। इसमें क्या लगा रखा है, यहाँ देखिए हल लगा रखा है, हल टाइप के नुकीले लगा रखे हैं, तो ये सॉइल को क्या करते हैं, काटते रहते हैं ऊपर की जो सॉइल होगी, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे हमारा पर्पज़ क्या है हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, अब पता है बिल्कुल, हाँ अब तो पता देखने के बाद तो चलेगा ही। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हमने ये डिस्कस किया कि सॉइल को क्या करता है, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर लेस देन 50 सेंटीमीटर सॉइल को काटते हैं, ये क्लियर था यहाँ पे। तो हम वो वाला इंस्ट्रूमेंट ही यूज़ करेंगे जो ये वाला पार्ट 50 सेंटीमीटर से कम ही काटता है, ये वाला है 15 सेंटीमीटर तक ही काटता है, क्यों यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इसको फर्स्ट अगर बोला जाए तो ये क्या है, पटेला हैरो। पटेला हैरो ठीक है, इस हैरो को तो सब लोग जानते होंगे, ये तो कौन सा वाला हैरो है, इसको कहा जाता है डिस्क हैरो, क्योंकि इसमें डिस्क लगी हुई है, ट्रैक्टर से चलाया जाता है। तो ये पूछा जा सकता है पटेला हैरो किससे चलाया जाता है या किस कौन सा वाला पावर यूज़ किया जाता है, इसकी बात करते हैं तो ये कौन सा होगा, डिस्क हैरो। चलिए ये भी क्लियर हो गया, इनका नेम कौन बताएगा ये कौन सा वाला है, जल्दी कमेंट करके बताइए। सोनिका जानते हैं, चलिए ठीक है, इसका कमेंट करके बताइए दोनों पार्ट्स क्या कहा जाता है इनको, ये भी दोनों हैरो ही होते हैं। इसको अगर मैं बोला जाए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा ट्राइंगुलर, इसका एंगल कौन सा है, तीन त्रिकोणा जिसको बोल सकते हैं, तीन कोण है इसमें, इसमें कितने कोण हैं, तीन कोण है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ट्राइंगुलर, इसको इसलिए क्या बोला जाता है, ट्राइंगुलर बोला जाता है। ये दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है, हाँ ऊपर की पपड़ी तोड़ने के लिए काम आता है, इनका पर्पज ही अपना हैरो वगैरह का यही होता है, ऊपर का जो हार्डपन होता है, लेकिन हार्डपन कौन सा वाला, ऊपर वाला जो 15 सेंटीमीटर से जो ऊपर का पार्ट होता है, अगर उससे नीचे का अपने हार्डपन तोड़ना है तो फिर हैरो यूज़ करते हैं, बिल्कुल स्पाइक टूथ हैरो, इसको क्या बोला जाता है, स्पाइक टूथ हैरो बोला जाता है, मुझे भी याद नहीं था, आप लोगों ने बता दिया, अच्छा किया ना, इसको क्या बोला जाता है, स्पाइक टूथ हैरो। यहाँ पे स्पाइक का मतलब होता है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, हल से हल छोटे छोटे कांटे से कांटे, तो ये ऊपर वाले पार्ट को तोड़ने के लिए या सोयल को फेवरेबल बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसमें इसको अगर बोला जाता है ट्राइंगुलर बोल दिया जाएगा, ट्राइंगुलर हैरो बोला जाएगा, ठीक है। तो ये कौन किस में यूज़ किए जाते हैं, हैरोइंग के पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये अपना हैरो, जो जो हैरो अपन ने पहले देखा था, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंप्लीट हैरो हो चुके हैं, डिस्क हैरो। अब हमसे पूछा जा सकता है मर्दाकुल बुरा बनाता है, बिल्कुल, अब हमसे अगर पूछ लिया जाए, क्योंकि हैरो की अगर साइज़ हमें पता है या साइज़ दे देगा, उससे अगर पूछा जाता है कि कितना एरिया कवर कर सकते हैं इस हैरो से, एक घंटे में इतना एरिया आ गया, एक घंटे में कितना एरिया कवर कर सकते हैं, तो इसके साइज़ बेसिस पे हम कर सकते हैं, बाकी कैलकुलेशन हम एंड में और देखेंगे जीरो टिलेज के यूजेस के लिए। बिल्कुल वो मिनिमम टिलेज हो गया जीरो टिलेज के लिए, हाँ वही वाला टिलेज के लिए यूज़ कर सकते हैं हैरोइंग, लेकिन जीरो टिलेज में इसको कम यूज़ करते हैं, जीरो टिलेज एक डिफरेंट है। महेश कुमार बोल रहा है कि जीरो टिलेज के लिए, महेश जीरो टिलेज की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, जीरो टिलेज डिफरेंट है, मिनिमम टिलेज के लिए कह सकते हैं, वहाँ पर ये कह सकते हैं, अदरवाइज जीरो टिलेज तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें जीरो टिलेज में क्या होता है, उसी टाइम सिंगल ऑपरेशन के अंदर हमें सीड सोविंग भी करनी है और उसको क्या करना है, सोइल को लूज भी करना होता है, सीड भी सोविंग कर रहे हैं, सोइल को लूज भी कर रहे हैं, तो इसके इससे सीड सोविंग कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, तो ये वाला पार्ट तो नहीं ले सकते, लेकिन किसी किसी पार्ट में क्या करते हैं, सीड को बिखेर कर भी हैरो चला देते हैं, तो वो भी उसमें कैटेगरी में नहीं, हमने तो वो जीरो मिनिमम टिलेज में यूज़ कर लेंगे, सबसे कम से कम तो डायरेक्टली हैरो किया उसके बाद में सोविंग कर दिया, तो वो मिनिमम टिलेज में आ जाएगा। जीरो टिलेज की डेफिनेशन ही अलग है, जीरो टिलेज में सिंगल ऑपरेशन में सीड को भी हमें डालना पड़ता है और सिंगल ऑपरेशन में काटना भी पड़ता है, जो अपने कल्टीवेटर ट्रैक्टर से यूज़ करते हैं, आप लोगों ने बिल्कुल देखा होगा। चलिए ठीक है, आज इस क्लास को इसी यहीं ऑफ करते हैं, आप लोगों को समझ में आया ना, प्लीज़ लाइक कीजिए, जिससे कल और भी अच्छे से मैं समझा सकूँ।
एक एक बा एक मिनट सर, एक मिनट सर, ये प्राइमरी डिलेज में यूज़ करते हैं, यही सेकेंडरी डिलेज में? नहीं 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 प्राइमरी डिलेज में प्लाऊ यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है, या तो 3 डिस्क होंगी या 4 डिस्क होंगी, इससे ज़्यादा 2 डिस्क 3 डिस्क 4 डिस्क, इससे ज़्यादा वो हैरो, उसको क्या बोला जाता है, प्लाऊ बोला जाता है। ये हैरो होता है, इसमें 9 से 11 12 तक डिस्क होती है, जितने कल्टिवेटर में 9 से 11 डिस्क वो होते हैं, डिस्क होती है, दोनों चीज़ सेपरेट है। वो प्लाउ है, वहाँ पे प्राइमरी टिलेज में प्लाउ टर्म यूज़ किया जाता है, उसमें भी डिस्क होती हैं, यहाँ इसको हैरो बोला जाता है, बस इसमें भी डिस्क होती हैं, लेकिन इसमें नंबर ऑफ डिस्क ज़्यादा होती हैं। चलिए बाकी और कमेंट कर दीजिए, मैं देख लूँगा, फिर कल डिस्कस करते हैं, ठीक है, बाय।